हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, कुशल मंगल है। तो आज आप देख पा रहे हैं माँ दुर्गा का श्रृंगार और ये है मकर संक्रांति के स्पेशल। तो ये आज मैंने इनको येलो कलर का साड़ी पहनाया है। बसंत पंचमी या मकर संक्रांति दोनों दिन आप येलो कलर का साड़ी पहना सकते हैं, मैंने आज ही पहना दिया। ये साड़ी मैंने घर में बनाया है, खुद ही बनाया है और मुझे इस साड़ी पहन के माँ बहुत सुंदर लग रही है। आप इनकी अष्टभुजा देवी है मेरी और सिंह वाहिनी है, तो इनको सारे आठ हाथों पे अभी कंगन धारण करवा देते हैं। ये स्टोन वाली छोटी कंगन है जो मैं माता रानी के हाथ में धारण करवा रही हूँ। और जो इनके बाकी सामने जो दो हाथ हैं, इन यहाँ पे मैं धारण करवाऊंगी जो लटकन वाले चूड़ी होते हैं वो वाले। तो ये देखिए, ये इस तरह का होता है और ये काफ़ी मतलब सामने दोनों हाथ में ऐसा डाल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। बाकी हाथों में इतना अच्छे से फिट नहीं होता है, तो बाकी हाथों में जो है गोल चूड़ी धारण करवाया मैंने। तो इस तरह से माता रानी को हम तैयार करेंगे। ये इनकी इयररिंग्स है और ये एडी का बना है। इस बार नवरात्रि में मैंने माता रानी के लिए यही इयररिंग्स लिया था, तो मैं माता रानी को अभी देखिए इयररिंग्स धारण करवा दिया है। एक्चुअली दोस्तों, पूरा श्रृंगार करने में बहुत समय लगता है, तो मैं आपको शॉर्ट में ही दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब इनको छोटा सा नेकलेस पहनाते हैं, इनका कंठीहार या नेकलेस जो भी बोलेंगे। अब ये बड़ा सा हार पहनाते हैं, इसमें भी फुल्ली स्टोन वर्क वाला जो पेंडेंट है ये फुल स्टोन वर्क के साथ है। तो इसी तरह से मेरी माता रानी तैयार हो रही है और उनको मैंने नथ भी धारण करवा दिया। ये इनके बाल है तो अब इनको मैं बाल भी लगा देती हूँ। और सही बताऊँ तो माता रानी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। ये इनकी मुकुट है, अभी इनको मैं मुकुट धारण करवाती हूँ। बाकी जो वेलक्रो वाले मुकुट है उससे बाल काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, तो इसीलिए मुझे वेलक्रो वाले मुकुट ही मेरे पास ज़्यादा है। ये ऐसे मुकुट मेरे पास दो ही है खाली। मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ही मुकुट पहनाने के लिए जिसमें इनकी बाल ख़राब ना हो जाए। अब माता के अष्ट हाथ में सारे जो अस्त्र शस्त्र है वो धारण करवा देते हैं एक एक करके। तो मेरी माता रानी तैयार हो गई है देखते देखते। इसी तरह से मंदिर के सभी भगवान को, सभी देव देवताओं को तैयार करना है हमें और एक एक करके आपके सामने दर्शन जरूर होगा। लक्ष्मी नारायण जी का भी दर्शन जरूर होगा। सभी भगवान जी का श्रृंगार करने में काफ़ी समय लग जाता है, तो हो सकता है कि पूरी मंदिर का एक ही साथ दर्शन करवा दूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो हाथ में फूल इन्होंने पकड़ के रखा है कमल का, जो कमल हाथ में है वो कागज़ के है, क्विलिंग से बना हुआ है और मैंने खुद ही बनाया है उसको। तो इस तरह से मेरी माता रानी हो गई है तैयार। मैं थोड़ा सा सामने से इनको दिखा देती हूँ और इनकी रूप सही में बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा और भव्य रूप होके आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। न्यू ईयर में मैंने इनकी पोशाक वगैरह चेंज नहीं कर पाई थी, लेकिन मुझे पता था कि मकर संक्रांति में मुझे ज़रूर करना है। तो माता रानी तैयार हो गई, अभी धीरे धीरे सभी का तैयारी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे दोस्तों।